मात्र 20 रुपए दिन की खुराक में करें जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक। संपर्क करें पातंजलि चिकित्सालय मानस भवन, दुकान नंबर 22, अस्पताल चौराहा, दमोह। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम, किल्लाई नाका, बालाकोट रोड, दमोह। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुँचेंगे। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ स्मैक यानी ड्रग्स किया बरामद। लगभग 3 लाख रुपए करीब की कीमत का मादक पदार्थ पुलिस के द्वारा किया गया जब्त। नए कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक डी आर तैनिवार के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि नोटा पुलिस के लिए 2 आरोपियों के पास से लगभग 3 लाख रुपए की कीमत, जिसका वजन लगभग 50 ग्राम करीब है, का अवैध मादक पदार्थ स्मैक यानी ड्रग्स बरामद किया गया है। वहीं उनके पास से एक स्विफ्ट कार जिसकी कीमत 8 लाख रुपए व 3 मोबाइल करीब 25,000 रुपए के जब्त किए गए हैं। पूरी घटना के संबंध में विस्तार से पुलिस अधीक्षक डी आर तैनिवार के द्वारा जानकारी दी गई, क्या कहना है सुनते हैं। पकड़ी गई किस तरह से पकड़ी गई, क्या विगत कई दिनों से दमोह पुलिस NDPS एक्ट के अंदर निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रही थी। इसी के तहत निरंतर कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि एक कोई बाहर का गिरोह है जो दमोह में और आसपास के क्षेत्रों में एक एक दो दो ग्राम में छोटी छोटी पुड़िया इसमें की वितरित करता है और इससे निरंतर जो है नशे के आदि बरतते जा रहे थे। ये गंभीर चिंता का विषय था और इसी कारण से हमने एडिशनल SP और थाना प्रभारी नोटा और साइबर टीम एक संयुक्त टीम गठित की और इन्होंने 2 महीने के लगातार प्रयास किए और इन्होंने जानकारी एकत्रित की है और इस टीम के द्वारा उस गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। वह गिरोह राजस्थान से और खिलजीपुर राजगढ़ से ये माल लेके आता था और पुड़िया बना करके यहाँ के कुछ लोगों को एक एक दो दो तीन तीन ग्राम की पुड़िया बना करके वो देता था। इस गिरोह के 2 मुख्य लोग हैं, एक प्रवीण दुबे जो देवरी का रहने वाला देवरी जिला सागर, एक रानी मेहरा जो नरसिंहपुर का रहने वाला है। ये अपने शिफ्ट गाड़ी से आते हैं और करीब करीब इसके पहले 2 बार जो है ये छोटी छोटी पुड़िया बना करके दे चुके हैं, लेकिन इस बार जो है थाना नोटा क्षेत्र में जैसे ही ये घूमों के लिए आ रहे थे तो सूचना पर इनको पकड़ा और इनके पास से करीब जो है 50.6 ग्राम जो है स्मैक, जो करीब करीब 3 लाख रुपए की स्मैक है वो बरामद की, शिफ्ट गाड़ी बरामद की, इनसे मोबाइल बरामद किए और इनसे जब डिटेल पूछताछ की है इनने उन लोगों का नाम बताया जिनके वो ग्राहक के रूप में बैठते थे, लेकिन चूंकि ग्राहक पीड़ित थे, वो नशे के आदि होते जा रहे थे तो उनसे भी पूछताछ की गई है। तो उसके आधार पर निष्कर्ष निकला है कि ये पुड़िया बना कर देते हैं और ये लोग जो है इसमें को एक सिल्वर जो पत्ता है चांदी का पत्ता उस पर डाल करके जला करके उसका जो सूंघते हैं और इस प्रकार से नशे के आदि होते जा रहे हैं। तो इस टीम ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है और इससे निसंदेह ये जो है नशे के कारोबार में जो लिप्त लोग हैं इन पे नियंत्रण होगा। फिर क्या इनाम दिया जाएगा अधिकारी? रात है प्रसिद्धता दी जाएगी, साथ ही जो टीम लगी थी लगातार प्रयास की उनको 10,000 का इनाम।